Welcome to Navigator, the study point. Myself, Ankita, your chemistry faculty. Today we are going to start the topic formula writing from chapter Atoms and Molecules class 9. Clear? अच्छा बेटा, अगर हम formula writing की बात करें तो formula writing में हमें ये देखना है कि हम formula किस तरीके से create कर सकते हैं, right? तो first of all, make sure that किसी भी फार्मूला में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है? पहला होता है आपका कैटायन और दूसरा होता है आपका एनायन, ठीक है? कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज. क्या मतलब है कैटायन का? पॉजिटिव चार्ज. और वहीं पे एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज. इतनी बात क्लियर है बेटा? कोई भी फॉर्मूला क्रिएट होता है दो चीज़ों को मिलाकर, एक कैटायन में एक एनायन को ऐड करके. कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज. क्लियर? गुड. अच्छा, ये डिसाइड करने का काम करती है वैलेंसी. कौन डिसाइड करती है बेटा? वैलेंसी. आप लोगों को वैलेंसी का मतलब तो पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है 12. कितना होता है? 12. अगर हम मैग्नीशियम को लिखना चाहें तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? 2.8.2. और आपको पता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एटम कंप्लीट है या स्टेबल है तो उसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. इसके पास ऐसे दो ऑप्शंस हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को 8 कर ले, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे. तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से इजी है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना. क्लियर बेटा? तो ये क्या करेंगे, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट. और जब भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव. क्या आता है? पॉजिटिव. और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर चार्ज आता है नेगेटिव. तो Mg पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? कितने डोनेट करें, ठीक है बेटा? जैसे अगर हम मैग्नीशियम लें तो मैग्नीशियम का एटमिक नंबर होता है 12. क्या होता है? 12. अगर इसे फर्दर डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल तो होगा 2.8.2. और तुम्हें पता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8. तो इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या तो 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दे. तो इसके लिए इजी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. जो इलेक्ट्रॉन्स Mg ने डोनेट करे हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बेटा, हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो हम पे चार्ज आता है पॉजिटिव. क्या आता है? पॉजिटिव. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्सेप्ट, तो हम पे चार्ज आता है नेगेटिव. ठीक है, नॉर्मल सी बात है. अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मुझे फ़ायदा होगा तो मुझ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव. और मैंने किसी से लोन लिया है तो मुझे नुकसान है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि मुझ पर चार्ज आएगा नेगेटिव. समझ गए? फाइनल कंक्लूजन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा है तो चार्ज आएगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है तो चार्ज आएगा पॉजिटिव. गुड. अच्छा, वैलेंसी का फिलहाल मतलब होता है कि किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, ठीक है? तो Mg की वैलेंसी आ जाएगी बेटा प्लस का 2, क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है. क्लियर? गुड. अब आते हैं बेटा क्लोरीन पे. अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. क्या होता है? 17. इसे ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा 2.8.7. अब तुम लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बताओ क्या इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना? तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो सी एल का माइनस वन। ठीक है बेटा। अच्छा ये तुम्हारा एम जी का प्लस टू बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये बना है कैटायन, राइट, और नेगेटिव चार्ज यानी कि ये बना है आपका एनायन। और मैंने क्या बताया, किसी भी फॉर्मूला में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कैटायन प्लस एनायन, राइट, गुड। तो यानी कि मैंने क्या करना है, एम जी के ऊपर प्लस टू चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज, राइट। अच्छा इतना ठीक है। जब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, तो ये आता है इधर और ये आता है इधर। हम इसमें इनके साइंस को प्रिफर नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ नंबर देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब देखो एम जी के साथ नीचे क्या आ जाएगा, वन, और क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा बेटा, टू। तो इसे आप लिख सकते हो एम जी सी एल टू, ठीक है। किसका फॉर्मूला हो गया ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। यानी कि किसी भी टॉपिक में या किसी भी फॉर्मूला में दो चीज़ें मैटर करेंगी, एक आपका कैटायन और एक आपका एनायन। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और वहीं पे एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज, क्लियर, वेरी गुड। अब फॉर्मूला लिखते वक्त जो नीडेड है वो क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बेटा, किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं उसकी वैलेंसी। अगर हम मैग्नीशियम पे आए तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है तो इसकी वैलेंसी आएगी प्लस का टू, राइट, गुड। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है तो इसकी वैलेंसी आएगी माइनस का वन, ठीक है। फॉर्मूला लिखते वक्त एक तरफ कैटायन और एक तरफ एनायन, कंबाइन करके आपका फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का एम जी सी एल टू। आ गया, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा बताओ सोडियम क्या होता है बेटा, एन ए, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। सोडियम का एटमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, गुड। इसे ब्रेक करेंगे तो 2.8.1, इसे ब्रेक करेंगे 2.8.7, राइट। अब आपको पता है कि सोडियम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इस पे चार्ज आएगा यानी कि वैलेंसी आएगी प्लस का वन। और क्लोरीन है ये 7 है इसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा माइनस का वन, राइट। अब इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन और वन सेम है, एन ए सी एल। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए सी एल, ठीक है। अच्छा एक देख लेते हैं हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लेते हैं, आ जाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 13,
कितना है 13 और क्लोरीन का एटमिक नंबर है 17। इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो 2.8.3, इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो 2.8.7, राइट। एल्यूमिनियम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस। और क्लोरीन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, आपको पता है अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का लॉस, सॉरी एल्यूमिनियम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर चार्ज आएगा +3, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है गेन, तो उस पर चार्ज आएगा -1, राइट। फिर क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, Al1 है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में Cl3, तो क्या आ जाएगा, AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, AlCl3, और सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, आ जाए। अब आगे देखते हैं, कुछ आपको बताती हूँ मैं आयंस जो फॉर्मूला में यूज होंगे। क्लास 9th के अकॉर्डिंग आपको 20 तक एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, इसके बाद के फिलहाल बाद में देख लेते हैं, ठीक है। और जो कुछ कंपाउंड्स आते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है वो देखो, OH, ठीक है, OH मतलब होता है हाइड्रोऑक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोऑक्साइड आयन, और इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। फिर आते हैं CO3 होता है कार्बोनेट आयन, और इसकी वैलेंसी होती है -2, ठीक है। उसके बाद आते हैं SO4 होता है आपका सल्फेट, क्या होता है बेटा, सल्फेट, और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। SO3 होता है सल्फाइड, और सल्फाइड की वैलेंसी भी होती है -2, क्लियर। फिर आते हैं NO3 होता है नाइट्रेट, क्या होता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -2, क्लियर। अगर कोई ऐसे भारी भरकम कंपाउंड्स आते हैं तो डरना नहीं है, बस इनका कम फॉर्मूला और इनकी वैलेंसी याद रखनी है, क्लियर। एक करके देखते हैं, कौन सा करें, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आपको पता है कि सोडियम के पास वैलेंसी होती है +1, और कार्बोनेट CO3 है, कार्बोनेट क्या है बेटा, CO3, और CO3 की वैलेंसी है -2, क्लियर। कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो Na के साथ क्या आएगा बेटा 2, और CO3 के साथ आएगा 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। ईजी है ना, तो इस भारी भरकम कंपाउंड से डरना नहीं है, सिंपली बनाना है, ठीक है। OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, CO3 यानी कि कार्बोनेट, SO4 यानी कि सल्फेट, SO3 यानी कि सल्फाइड, और NO3 यानी कि नाइट्रेट, ये इनकी वैलेंसीज हैं, क्या हैं, वैलेंसीज, ठीक है बेटा, ओके। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने आज, हमने स्टार्ट करा बेटा फार्मूला राइटिंग, राइट। फार्मूला लिखते वक्त या फार्मूला को रिप्रेजेंट करते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक आपका कैटायन और एक आपका एनायन, क्लियर। कैटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जब एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव को साथ में कंबाइन करते हैं तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला जनरेट होता है, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद सेकेंड आए हम वैलेंसी पे, वैलेंसी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस किसी भी एटम ने
कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा या लॉस करा, उसे कहते हैं उसकी वैलेंसी, राइट। बाकी आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, यानी कि मैं किसी से कर्ज ले रही हूँ, तो मुझ पर चार्ज आएगा नेगेटिव, राइट। और अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लॉस, यानी कि किसी को कर्ज दे रही हूँ या लोन दे रही हूँ, तो मुझ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में कंबाइन करके आपका जनरेट होगा फॉर्मूला। उसके बाद हमने कुछ टफ कंपाउंड्स भी देखे जिन्हें जनरली यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका OH आएगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी -1, CO3 यानी कि कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी -2, SO4 यानी कि सल्फेट, इसकी वैलेंसी -2, SO3 यानी कि सल्फाइड, इसकी वैलेंसी -2, और NO3 यानी कि नाइट्रेट, और इसकी वैलेंसी भी -2। क्लियर बेटा, इन सब फार्मूलाज़ को लर्न कर लेना। और इस टॉपिक के लिए आपको मिनिमम कितना, मिनिमम 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्लियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, क्लियर। थैंक यू।